नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा जाएगा या बुरा, और साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, और साथ ही साथ पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, और साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और साथ ही साथ तारों की चाल। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो कि आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज होने वाली हर सौदेबाजी, हर बातचीत और हर इंटरव्यू अंततः आपके पक्ष में जा सकता है। निश्चित तौर पर धन का लाभ होगा। आज आपको बस अपना रवैया लचीला और दिमाग को खुला रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को एक मीठा पराठा, मीठी रोटी खिलाएं तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन आपका है, लेकिन कोई भी काम सावधानी के साथ करें। ऋण से निपटने हेतु आज मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। आज का दिन आपके पक्ष में है, लेकिन किसी भी कार्य में आज आपको अति नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। धन का लाभ होगा, पद का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये टिप्स। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हम आज शुरुआत में ही एक मेल जरूर लेंगे। काफी सवाल आते हैं यहाँ पर, गौरव जी अपने लिए सवाल करेंगे। 14/12/88 जन्म तारीख है, और सुबह के 6:10 का इनका जन्म है, जोधपुर का जी। पंडित जी, ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए या बिजनेस अपना शुरू करना चाहिए। देखिए बेटा, आपको गौरव गुरु की महादशा चल रही है और उसमें शनि का अंतर 5 अप्रैल 2015 को खत्म होगा। उसके बाद में गुरु की महादशा और बुध का अंतर शुरू होगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ पीरियड होगा आपकी लाइफ का। आने वाला जो समय है, निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकता है, यदि आप प्रयास करते हैं। अप्रैल मई के पश्चात में जो भी आप कंपटीशन देंगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो बुध जो है वो अस्त होके बैठा है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, तो एक तो पन्ना रत्न अवश्य पहनना है आपको। 3.25 रत्ती का पन्ना सबसे छोटी उंगली में सोने में बुधवार के दिन धारण करें। नियमित रूप से बुधवार के दिन भगवान गणपति के दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उसके साथ साथ में बुधवार के दिन गौ सेवा करना आपके जीवन में खासा परिवर्तन ला सकता है जी। तो गौरव जी, पंडित जी ने आपको आपके करियर, आपके भविष्य के हिसाब से गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, यहाँ तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 7/10/79 जन्म तारीख है इनकी, और शाम के 7:05 का इनका जन्म है, अजमेर का।
तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। जी तृप्ति जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है और मैं बिजनेस करूंगी, और मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है अभी, तो आगे फ्यूचर कैसा है और जमीन जायदाद से संबंधित कुछ लाभ होगा या? देखिए आपकी जन्म जी बोलिए तृप्ति जी। संपत्ति है, मेरे पिता की जो संपत्ति है, मतलब उसमें भाई नहीं है, तो हमें कुछ मतलब प्रॉफिट हो सकता है क्या उससे? बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है, अभी मई 2014 से शुरू हुई और ये चलेगी सन 2021 तक। मंगल आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पे नीच का होके बैठा हुआ है। कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो निश्चित तौर पे वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। उसमें भी अभी मंगल की महादशा राहु का अंतर शुरू हो चुका है, 12 नवंबर 2015 तक ये चलेगा, तो पूरा जो 2015 का जो पूरा साल है कोई बहुत ज़्यादा आपको विशेष रूप से फ़ायदा देता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकारी नौकरी के योग नहीं है, उसके साथ साथ में व्यापार के अंदर में भी यदि आप कोई भी काम करें तो आपको बहुत संभल कर काम करना है, क्योंकि समय आपके फेवर में नहीं है। मन को शांत रखने की कोशिश करिए। जमीन जायदाद का सुख भी जो कुछ भी मिलेगा वो सब नवंबर 2015 के पश्चात मिलेगा। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से आपको बचना है। जो आपकी कुंडली में सबसे अच्छा जो ग्रह है वो है आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो सबसे अच्छा है, जिसके कारण आप थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहे हो। तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो हनुमान जी को आराधना नियमित रूप से करनी है। मंगल चूँकि आपकी कुंडली में नीच का है, मांगलिक कुंडली है आपकी, नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा अवश्य करें। पितरों की शांति के लिए एक का आपको घी का दीपक जलाना है पानी के परंडे के पास में, उसके साथ साथ में नियमित रूप से आपको गौ सेवा अवश्य करनी है। एक पुखराज रत्न आप अंगूठे के पास वाली फिंगर में धारण कर लीजिए सोने के अंदर गुरुवार के दिन। ये सरल से आप उपाय करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। सन 2015 में कोई विशेष एडवेंचर जैसा काम यदि आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है आपको। जी पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ पर हैं, अनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 15/8/72 जन्म तारीख है और सुबह के 9:30 से 10 के बीच का जन्म है इनका, चूरू का जन्म है पंडित जी। जी अनीता जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ मैं मेरी शादी करना चाहती हूँ, मेरा काम धंधा, मेरे पति का कुछ भी नहीं। देखिए ये जन्म कुंडली आपने जो भेजी है उसके हिसाब से यदि अगर देखते हैं, यदि आपकी कुंडली अगर ये है तो यदि आपके पति आपके नाम से व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट हाउस में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, शनि भाग्य स्थान में शुक्र के घर में आप बैठा है। कुल मिला के आपके जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी सूर्य का अंतर आपकी जन्म कुंडली से एक नकारात्मक समय चल रहा है फरवरी 2014 से पिछले साल से, और अभी अब ख़त्म होगा 5 फरवरी 2015 को, अभी 2 महीने बाद में जो फरवरी आ रही है, तो एक बहुत नकारात्मक समय शनि की महादशा सूर्य का अंतर ये ख़त्म होगा और फिर शनि की महादशा और चंद्रमा का अंतर शुरू होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति का व्यापार अच्छा चले, जहाँ उनकी दुकान है उस दुकान के अंदर एक लाल कपड़े में एक छोटी शहद की शीशी बांध के दुकान की जो दक्षिण दीवार है वहाँ पे कहीं उसको रख दीजिए। उसके साथ साथ में आपके पति को बोलिए कि नियमित रूप से जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं दुकान के लिए, गौ सेवा करते अवश्य निकले, गाय को रोटी पालक चारा जो भी उनकी श्रद्धा हो वो खिलाएं, और शुक्रवार के दिन कौओं को खीर खिलाएं, नमकीन की गांठें खिलाएं, पनीर खिलाएं, निश्चित तौर पे उनका जो बंद पड़ा व्यवसाय है वो भी चल निकलेगा, जो धन की कमी है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी तो अनीता जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पंडित जी, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अपने भाई योगेश के लिए सवाल करेंगी। 17/2/85 जन्म तारीख है और दोपहर के 1:05 का जन्म है इनके भाई का, अजमेर का। मनीषा जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
जी पूछिए मनीषा। हाँ, जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मुझे मेरे भाई के बारे में पूछ जानकारी लेनी है। आप मेरे भाई के भी पता नहीं क्या है, सगाई करते हैं पर नहीं देख रहे हैं, काफी 4-5 साल हो गए पर वो लड़की नहीं मिल रही है, कोई रिश्ता आ नहीं रहा है, आता भी है तो वो पता नहीं होता ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बताइए आपकी, कब तक हो जाएगा उसका रिश्ता और उसके आगे कैसे क्या रहेगा उसके काम का, वो नौकरी लग पाएगा सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में रहेगा या कोई उसको बिजनेस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताइए। देखिए बेटा जी, इस बच्चे को राहु की 18 साल की महादशा चल रही और उसमें भी केतु का अंतर चल रहा है जो 30 अप्रैल 2015 को ख़त्म होगा। अभी जो अप्रैल का महीना आएगा उसमें 30 अप्रैल 2015 को राहु में केतु खत्म होगा। कालसर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ और इस वक्त जो समय है वो सबसे ज़्यादा नकारात्मक है। जिनके कुंडली में सर्प दोष होता है और राहु की महादशा यदि चल रही हो तो निश्चित तौर पे उनके जीवन में उनको रुकावटों का सामना करना पड़ता है और साथ साथ में जो काम आज होना है वो काम आज नहीं होके कल होगा, मिलेगा सब कुछ लेकिन घूम के थोड़ी देर से। ये राहु की महादशा के अंदर इस तरह का होता है। चंद्र गुरु गज केसरी योग इस बच्चे के भाग्य स्थान में बना हुआ है लेकिन देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच के होके बैठे। देखिए सरकारी नौकरी का तो योग नहीं बनता है, खुद का व्यापार करे तो निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। व्यापार के अंदर भी विशेष तौर पर जो इसको काम करना है जैसे ज्वेलरी आइटम हो गए, फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, इस तरह के कामों को यदि करेगा तो ज़्यादा इसको सफलता प्राप्त होगी। और जहाँ तक विवाह की जो बात है वो अप्रैल 2015 के पश्चात इसका विवाह होगा सन 2015 में। इसका जीवन सुख में इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन राहु की महादशा उतार चढ़ाव ला रही है। किसी योग्य आचार्य के निर्देश में राहु केतु की शांति करवाएं, कालसर्प दोष की शांति जहाँ ज्योतिर्लिंग हो उज्जैन जाके वहाँ सर्प दोष की शांति करवाएं और जब तक ये नहीं करवाएं तब तक एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में रविवार के दिन 5.25 रत्ती का चांदी में इसको धारण करवा दीजिए और इस बच्चे को बोलिए कि हर रविवार को भैरव जी के मंदिर जाए, दाल की कचौरी उसमें थोड़ा सा दही और 3 इमरती भैरव जी महाराज को चढ़ाए, निश्चित तौर पे इसकी रुकावटों में इसको सुधार होता हुआ दिखेगा। जी दर्शकों चलिए गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपके लगभग सारे काम पूरे हो सकते हैं, भाग्य और समय आपके पक्ष में होने जा रहा है आज के दिन, उसका फ़ायदा उठाना है आपको। धन में, घर के सुख में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आपको आज कार्य क्षेत्र में सहयोग और सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आज आपको किए गए कामों से धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है लेकिन ध्यान रखें कभी कभी हाथ में आई चीज उंगलियों के बीच में से फिसल भी सकती है। बस आज आपको अपना समय नहीं गंवाना है, पूरा दिन आपका अच्छा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी के पौधे में जल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें आपको किस्मत का साथ आज मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। कामकाज का निश्चित तौर पर विस्तार होगा। भाग्य आज आपके साथ है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दर्शकों आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया डिसीजन आज आपको नहीं लेना है। अपना व्यवहार आज आपको सकारात्मक पॉजिटिव बनाए रखना और स्वयं को भी प्रसन्न बनाए रखने की कोशिश आज आपको करनी है।
आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में दीपदान करें, निश्चित तौर पे जो भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किसी तरह की कोई भी चिंता जो है आज वो आपको सता सकती है। रोज़मर्रा के कामकाज से आज आपको धन का लाभ होने के साथ साथ में आज आपको सुख भी मिलेगा, उसमें भी वृद्धि होगी, समृद्धि में भी वृद्धि होगी, लेकिन चिंताग्रस्त आज आप रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में भगवान को लड्डू का भोग लगाए, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। कोई लंबे समय से यदि आपका पैसा अटका हुआ है तो वो आज आपको मिल सकता है। व्यापार जो आज आपका है वो अच्छा चलेगा, दैनिक आय बढ़ेगी, नई जिम्मेदारी की आज प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरा चारा खिलाएं, निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बरसेगी आज के दिन। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशियों के बारे में बात करने से पहले मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटे हर्षित के लिए सवाल करेंगे। 30/5/99 जन्म तारीख है, सुबह 10:10 का। 28/30/99 मंजू जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैडम 20/5 है। 20 जी, 20/5/99 हाँ। जी सवाल कीजिए मंजू जी। मैडम क्या नाम से पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर्षित का मन पढ़ाई में लगता नहीं है, क्या ये आगे पढ़ पाएगा ढंग से या क्या होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं इसकी वजह से काफी परेशान रहती हूँ। देखो बेटा, दो तीन चीज़ें हैं इसकी जन्म कुंडली में। एक तो इसके लग्न में डिसीजन हाउस में चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ बैठ गए। चंद्र और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के विचारों में अस्थिरता रहेगी, कंसंट्रेशन इस बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी उसकी। कभी भी एक जगह एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पाएगा, थोड़ी देर बैठेगा फिर उठ जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा फिर उठ जाएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में जो शनि है वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, इस बच्चे को एक मूंगा रत्न आता है, ट्रायंगल मूंगा, उसका पेंडेंट बना के इस बच्चे के गले में चांदी के अंदर मंगलवार के दिन धारण करवा दीजिए और इस बच्चे को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। और दो तीन चीज़ें जो मैं सबको बताता हूँ वो आपको भी बता देता हूँ। इस बच्चे को कभी भी जिस बिस्तर पर ये सोता है उस बिस्तर पर बैठ के न तो इसको पढ़ाई करनी है न इसको खाना है। ये दोनों काम बिस्तर पे बंद करवा दीजिए, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करवाइए। इस बच्चे के पढ़ने के कमरे में एक पेंडुलम वॉच लगाइए, पेंडुलम वॉच वो भी नॉर्थ वॉल पे, उत्तर दिशा की जो दीवार है उस पे लगाइए, पूर्व दिशा की दीवार पे लगाइए। निश्चित तौर पे इस बच्चे के कंसंट्रेशन में आपको वृद्धि होती हुई दिखेगी। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, निश्चित तौर पे बच्चा पढ़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको लगना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। सोते समय जो इसका सिर है वो आपको पूरब दिशा में रखना है, जो चीज़ बताइए हनुमान जी की आराधना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाए, सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी जी। तो मंजू जी, पंडित जी ने आपको आपके बेटे के लिए दे दिए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, अरुणा जी यहाँ जुड़ चुके हैं, 23/4/67 जन्म तारीख है और दोपहर के 3:43 का इनका जन्म है, 3:43 अजमेर का जन्म है पंडित जी। अरुणा जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, एक नेगेटिव पीरियड आपका भी अक्टूबर में खत्म हो गया और शनि में शुक्र दिसंबर 2017 तक का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। आपका करियर का भी, लाइफ टाइम का हर लिहाज से शुक्र चूंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्वग्रह होकर बैठा है, निश्चित तौर पे ये पीरियड आपको बहुत सफलताएं प्रदान कर सकता है। ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, चंद्र मंगल योग धन भवन में बैठा है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु उच्च के होकर आपके द्वादश भाव में बैठा है, सूर्य उच्च का है, शुक्र स्वग्रह। ये पता नहीं आप सरकारी नौकरी में हैं या नहीं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे हैं कि आप बहुत उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रह जो बुध आपकी जन्म कुंडली में है वो नीच का हो गया। बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं पर एक ग्रह बुध, भगवान गणपति, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ
उनके जो स्वामी हैं बुध, वो नीच के होके आपकी जन्म कुंडली में बैठ के, तो कहीं ना कहीं पूर्ण सुख प्राप्त करने में वो रुकावट डाल देते हैं। अदरवाइज आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी कैटेगरी की लक्ष्मी का रूप हो, जिस घर में भी आप हो वहाँ आप लक्ष्मी का रूप बन के बैठी हो, आपकी कुंडली में कोई वैसे कमी नहीं। बुध को ठीक करने के लिए नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें, साल में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हरे वस्त्र आपको बुधवार के दिन आपको धारण नहीं करने हैं, उस नियमित रूप से घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाएं और उसके साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य को आप जल अर्पण करें, किसी भी तरह की समस्या आपको आगे अनुभव नहीं होगी, आने वाला समय निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर नरेश जी हैं, 3861 जन्म तारीख है और सुबह के 5:10 का इनका जन्म है अलवर का। नरेश जी स्वागत है आपका, पंडित जी से सवाल कीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। पंडित जी आप पहले मुझको बताया था कि 4 नवंबर तक समय खराब है और मूंगा पहले भी बताया जी, और पैसा उधार देता हूँ तो वापस नहीं मिलता, और दूसरा ये कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसका श्रेय मुझको नहीं मिलता। देखो 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है, व्यापार क्षेत्र के लिए आपको मूंगा पहनाया था कि जिससे आपके व्यापार के अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखे, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त हो। जहां तक श्रेय की बात है कि आपको श्रेय नहीं मिलता है तो ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती, लेकिन हम बात करें आने वाले समय की, समय जो है निश्चित तौर पर आगे जो आ रहा है सन 2015-2014 के मुकाबले में आपका बेहतरीन ईयर साबित हो सकता है। मन से लगन से आपको मेहनत करनी, सिर्फ इस राहु को कंट्रोल करने के लिए भैरव जी की आराधना अवश्य करें, हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं, एक दाल की कचौरी उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन वहाँ पे आपको रविवार चढ़ाना है, इस उपाय को मत छोड़िएगा। निश्चित तौर पे पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। हमारे जो मकर राशि वाले जो दर्शक हैं, आज कामकाज में विशेषकर कागजी काम में और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने में कुछ कठिनाई महसूस आज आपको हो सकती है, उच्चाटन बना रहेगा मन, अचानक आज धन लाभ भी संभव है, नई जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती, तरक्की के योग आज निश्चित तौर पर बनेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए आज मददगार साबित होगा, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें, फिर देखिएगा पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, घर में परिवार में और ऑफिस में आज आपको जिम्मेदारी भरे काम करने पड़ सकते हैं, कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं, पैसों से जुड़े किसी खास काम को पूरा होने में आज समय लगेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए दर्शकों अब आखिर में पंडित जी से आज का पावन मंत्र भी जान लेते हैं। पंडित जी जी बिल्कुल, आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी का दिन है, तो भगवान श्री गणेश जी महाराज जो हैं वो बुद्धि के दाता होने के साथ साथ भय चिंता दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है, सारे कष्टों को दूर कर सकती है। तो आज मैं आपको आपके सभी संकटों से मुक्ति के लिए एक छोटा किंतु चमत्कारिक मंत्र आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस मंत्र को, बहुत सरल मंत्र है। ओम प्रथमेश्वराय नमः। ओम प्रथमेश्वराय नमः। प्रथम पूज्य है इसलिए प्रथमेश्वराय नमः। प्रातःकाल भगवान गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें, आज उनको दुर्वा अर्पण करें, हरे मूंग अर्पण करें, लड्डू अर्पण करें, सुगंधित धूप
घी के दीप से भगवान श्री गणेश जी की सह परिवार आरती करें, मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि आपके घर में आपके व्यापार में निवास करने लगेंगे। तो इस तरीके से गणेश जी की आराधना आज आपके सभी कष्टों को दूर करने वाली हो सकती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।